माइंड मैपिंग बहुत ही जरूरी होती है, मतलब इन द सेंस जैसे कि कोई चैप्टर आपने कर लिया, मान लीजिए आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर लिया, अब आपको रिएक्शंस याद करनी है, तो रिएक्शंस में पहले क्या रहता है, पहले अपना चैप्टर आता है हाइड्रोकार्बन यानी मार्कोनिक ऑफ एडिशन आता है, तो अपने दिमाग में होना चाहिए कि मार्कोनिक ऑफ एडिशन में क्या होता है, कार्बोकेटायन बनता है, रीअरेंज होता है, फिर उसके बाद एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन किसकी प्रेजेंस में होता है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है, कैसे होता है, फिर उसके बाद अपना हाइड्रोकार्बन के बाद अपना हेलो एल्केन्स वगैरह आता है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती है, सब्स्टिट्यूशन में SN2 आता है, SN1 आता है, तो स्टेप बाय स्टेप दिमाग में बिना पढ़े इसको देखो। तो माइंड मैपिंग में क्या होता है बेटा, सबसे पहले हमें नोट्स को खोल के पहले देखना होता है कि थ्रू हमें रिवाइज करना होता है, यानी हम पहले आंखें बंद करके कुछ ट्राई करते हैं मेमोराइज करने का एक सीक्वेंस में, फिर याद नहीं आता तो नोट्स को देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है हमें नोट्स देखने की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं। तो ये जो हमारा बहुत बड़ा भ्रम और डर होता है ना कि यार कहीं मैं सब भूल तो नहीं जाऊंगा, वो डर माइंड मैपिंग से खत्म होता जाता है, क्योंकि एक वक्त आता है जब आपको रिवीजन करने के लिए ना तो लिख के देखने की जरूरत है, आपका इतनी बार माइंड मैपिंग कर ली कि माइंड में आपकी जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर फिक्स हो गया कि भाई यही है।